वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आगे आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर जो की है मुनावर फारूकी की, और ये टाइटल है काला जादू स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनावर फारूकी। तो देखते हैं गाइस कैसा होने वाला है। आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था मुनावर फारूकी भाई के न्यू वीडियो स्टैंड अप वीडियो पे, कॉमेडी वीडियो पे रिएक्शन दो। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लास्ट तक के देखना भाई, इसका कोई जवाब नहीं है मुनावर भाई का, तो लास्ट तक वीडियो देखना, उसके बाद में बात करते हैं। कोई है करके एक सीरियल आता था, पता है? पता है, मैं बहुत देखा हूँ, बहुत डरा हूँ। देखा करना है, रुक जा, तू कुकर लेके आई है घर से, रुक जा, पहले मैं करता हूँ, ठीक है? सिंक करेंगे मस्त, पहले देख लो कितना लंबा है। फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो, छोटा करो, महंगी टिकट, सस्ती टिकट, फर्क नहीं पड़ता, हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा। हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है, बोले कितना लंबा है। ठीक है, वो देख लो ताकि अपन सिंक कर सके। ठीक है चलो, अभी मैं कर रहा हूं, सिर्फ सुनो। कोई है? ठीक है, अब सब साथ में करेंगे। ठीक है, मैं 1 2 3 करूंगा, उसके बाद कितना लंबा है, 2.3 सेकेंड। सॉरी, मैंने बोला हर शो पे एक रहता है। कभी कभी 2-3 होते हैं। ठीक है, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी? ठीक है, 1 2 3। क्या चुतिया, चुतियापा करने का तुम लोग पैसा दिए। कोई है करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा, जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी। क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी। भैंसो ध्यान रखना। और मैं बोले गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले वो कुएं में पानी नहीं था। तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो, वो कुआ है ना, कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर, कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया। ओहो, तो गांव वाली, तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों? कुएं में गिर के सब टिकट कमा सकते। नहीं, सच में कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही है, ये अपनी धुन में ही नहीं रहता। हवा में उड़ता जाए, गई गई हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में गई। टिकटॉकर एक ऐसा भी सीरीज लाना चाहिए। और इसको गुस्सा किस चीज का, लोगों को मार डालती है, क्या गुस्सा है? कह रहे मैं छप 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 करके नहीं मर पाई, मैं धप करके मरी। आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह इस तरह के आते थे? टीवी मूवीज वगैरह देखा, वेब सीरीज देखी है, राइट, थिएटर्स में पिक्चर देखी है। मैंने रियल में देखा है। मैं छोटा था, जूनागढ़ मेरे गाँव में एक मौलाना रहते थे, मौलाना जिन निकालते थे। तो एक दिन गया मैं देखने, मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा, भूरा भूरा फेमस, क्या बात है। तो मैं भूरे को लेके गया, भूरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा। मैं बोला डरता है मरत, चल डर मत, मैं हूं। हम लोग गए, और जैसे हम लोग गए ना तो वहां पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे।
तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। मौलाना लड़की की माँ को बुला बोले इधर आ जाओ। क्या हुआ इसको? लड़की की माँ बोलती है, मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है, और जब से वापस आई है थोड़ा ऐड आएगा उसको स्किप करना पड़ेगा, स्किप कर देता हूँ। वीडियो लंबी है। आपका मनपसंद फ्रीडम है भारत का नंबर वन बिकने वाला सनफ्लावर ऑयल। वो लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन, इंग्लैंड से आई थी ना, तो इंग्लिश मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर की गांठ फट गई, बोले मौलाना ये क्या करवा रहे। अब जिन बुला लिया, जिन तो आ गया जलाल में, जिन तो लाइक Motherfucker! मौलाना ट्रांसलेटर को पूछो, बोले क्या बोला? ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया, मौलाना बोले नहीं बोलो जल्दी क्या बोला। मौलाना माधर चोद बोला तुम्हारा को, मौलाना भड़क गया, मौलाना बोले हटो। मौलाना मोती निकाला ऐसे ड्रॉ में से, कुछ तो किया उसने, लड़की गिर गई, बोला मार डाला। बुरा बोलता भाई कसौटी जिंदगी, बोला रुक जा, अपन चश्मदीद गवाह है। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। इतने में लड़की खड़ी हुई, मौलाना शिट यार, प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई, इस तरफ देख रही, इस तरफ देख, इस तरफ देख, बुरे को देखे, पूरा डर मत, बुरा डर मत, इधर आ, पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास, जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है, अम्मी मैं कहाँ हूँ, अम्मी यहाँ पे क्या हुआ? And we are like, fuck, मौलाना did it. कर दिया भाई, कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए, हम लोग फुगड़ी खेल रहे। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल हो गई, वो भी बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी। मौलाना के पास गई, मैं मौलाना को बोलती है, मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दी। मौलाना बोलता है, That's my job, baby. Yeah. That's how we do. Yeah. ये तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ ना, मेरे साथ जो हुआ वो बता, कुछ गजब ही हुआ होगा। 2007 की बात है, मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था, और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ। मैम जीरो, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2007 में जब मुंबई आया, मैं अपनी आंटी के साथ रहता था, और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग के गली में डॉक्टर रहता ना, नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयाँ देता है, लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे।
तो वो वाला डॉक्टर वो देता था 6 कलर की गोलियां, 30 रुपए की पूड़ी बना गया। 2-3 दिन दवाई लिए, ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, क्या रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, डॉक्टर भी बोल रहा कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ पेट में कुछ नहीं जा रहा। बोले 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था मेरे पेट में नहीं रहता, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती थी, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी। मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, वो मेरी आंटी के पास आई और आके बोलती है, सुनो सुनो यहाँ पे ना एक बाबा है, पैसा नहीं लेते। तो जब कोई पैसा नहीं लेता आपका एतबार बढ़ नहीं जाता? अंधविश्वासी बहुत नहीं लेता, अच्छा ही करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास, बिठाए बाबा ने ये जो 2 अंगूठे है ये मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबाया। आंटी मेरे को दुख रहा है, आंटी बोले बाबा पैसा नहीं लेते। अब समझ रहे हो, कोई मेहनत कर रहा है, दुकान लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है, क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है, इसकी नहीं है। यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते हैं पता है, ट्रेन में, रिक्शा में, शौचालय में लगे हुए रहते हैं। आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैम आप नहीं ब्रो, तो ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहे कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ लो ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते। दवा यार दवा यार ना बाबा छोड़ो मेरे को, बाबा बोलते नहीं छोड़ूंगा। बाबा को लग रहा है उसने जिन पकड़ लिया है। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसा दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो यार, बड़ा कोई जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहे, बोले ये आवाज मुनव्वर की है? नहीं, चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी। हाँ तो उंगली भी तो नहीं घुसेड़ते घर पे। दबाया जा रहा दबाया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले, बाबा दबा रहा बोले चला जा इसके अंदर से, मैं बोला चला जाऊंगा। बाबा की भी फट गए, बोले ओ और सवाल पूछने लगा कहां से आया इसके अंदर, मैं बोले खड़े खड़े पेशाब करता है। पांच मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया, मैं गिर गया, आंटी बोली मार डाला। वो बोले नहीं बेहोश हुआ है, बेहोश अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए। 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहां हूं? आंटी क्या हुआ यहां पे? क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूं, पाखंडी तो मैं भी हूं। चलो चलो ठीक हो गया हूं मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए। 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है। मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है, वो एक कैंसर पेशेंट है उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है। अब वो कैंसर पेशेंट था कि बाबा है पैसा नहीं लेते,
अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीजों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में, काला जादू में। आई एम नॉट सेइंग है नहीं है, बट इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता ये, आज भी मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो नहीं मान रही, वो मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए। जस्ट इमेजिन अगर उसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते। मारते पिन वहां पे ओसामा टीले पे ऐसे बयान कर रहा होगा, यहाँ सुब्रो तो मार रहा है घट घट कर। ऐसा काला जादू करते ना ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता हम ही मंजूरी का अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में इतने जितना रियली होता है ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नहीं होती, होती है लेकिन बहुत ज्यादा हम विश्वास कर लेते हैं उसपे और बहुत ज्यादा एकदम डीपली घुस के कुछ भी मतलब हमारे माइंड में कुछ भी गलत होता है तो सोचते हैं कि अरे यार जादू और बाबा तंत्र मंत्र के पीछे बहुत ज्यादा कि घर की एक छोटी सी चीज जो इसमें जाता है ना बाबा बाबा के पीछे, वो एक फिर घर की एक छोटी सी चीज को पॉटी भी नहीं हो रही है तो फिर वो बाबा के पास ही हो रहा है। अरे यार कोई काला जादू कर रही है ये बहुत सारे ऐसा चीज है वो बहुत सही बात बताया। और जो गाइस ये फिर कोई है ना, मैं भी बचपन में इतना देखा बहुत फैन हूँ, मतलब बचपन से ही ना मेरे को डरावनी चीज दिखने की मतलब एक ख्वाहिश रहती थी। ठीक है तो मैं कोई भी पिक्चर बहुत अच्छे मतलब सीरियल बहुत तगड़ा देखता था। क्या है ना जो हमारे एज के लोग है ना वो उस टाइम टीवी ही रहती थी, मोबाइल था नहीं, इसीलिए वही सब चीजें नहीं। और मेरे एक इंटरेस्ट भी है देखने का, बहुत सारी चीजें ना बहुत अच्छी लगती है तो देखते थे ना हम। तो रात को अगर बाथरूम भी लगती थी ना 1-2 बजे और नींद खुलता था तो नहीं उठता था मैं। ठीक है रियली और इतना डर रहता था, चादर ओढ़ के सो जाता था लेकिन जाता नहीं था, सुबह तक के बाथरूम रोक के रखता था। ऐसा भाई बहुत बार हुआ है रियली, बहुत सही चीज बताया है मुरावर ने, रियली फैक्ट जो था ना वो बहुत ही तगड़ा था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप लोग इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।